संकेतार्थक अनुभूति के अनुकूल भाषा उनके काव्य में क्रियाओं के प्रति बड़ी संवेदना है, इस तरह बोल के गुरुजी ने अपने भाषण में उनके काव्य भाषा को लेकर बताया गया है। और गुरुजी की ये बातें सुनकर तेलुगु के कवि श्री श्री का एक पद याद आ रहा है। आकाशपु डड़ारिलो ఒంటరి ఒంటెలాగుంది జాబిల్లి, ఆసుమాన్ రేగిస్తాన్ మే అకేలే ఊంట్ జైసా చంద్రమా హై, ఇస్ తరహ సంకేతార్థక భావ సే శ్రీ శ్రీ తెలుగు మే బతాతే హై। అభి మై శంషేర్ కి కవిత మే రంగ్ ఇస్ విషయ పర్ అపని భాషణ దేనే కే లియే డాక్టర్ ఋషభదేవ్ శర్మ సబ్కో ఆమంత్రిత్ కర్ రహా హూం। नमस्कार, तुम सम शेर लिखे को जट्टा, तुम सम शेर लिखे को जट्टा, शमशेर के लिए ये उक्ति है प्रभाकर माचवे की। पता नहीं क्यों अभी डॉक्टर साहब जब बोल के जा रहे थे और उधर प्रोफेसर अब्दुल अलीम जी ने कहा कि उस्ताद के बाद शागिर्द, तो मैं और डर गया। मैं पहले से ही डरा हुआ था अब डॉक्टर साहब के बाद बोलने से। और ये पंक्ति पता नहीं क्यों मुझे याद आ गई, तुम सम शेर लिखे को जट्टा। तो काव्य भाषा पर प्रोफेसर दिलीप सिंह जब चर्चा कर चुके हों तो अगला वक्ता तो शहीद हो गया। खैर, इस लंचोत्तर सत्र में आप लोग झपकी लेने के लिए स्वतंत्र हैं, कोई किसी प्रकार की बाध्यता नहीं है। मैं अपना आलेख पढ़ूंगा और अध्यक्ष जी से प्रार्थना करूंगा कि अधिक लंबा नहीं है, मुझे पूरा पढ़ने दिया जाए। हालांकि अभी तक किसी को टोका ही नहीं गया है, पर मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। खैर, श्रद्धेय प्रोफेसर सत्यकाम जी जो इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं एवं मंचस्थ प्रोफेसर दिलीप सिंह जी, प्रोफेसर अब्दुल अलीम जी, प्रोफेसर हीरालाल बाछोतिया जी, डॉक्टर श्रवण कुमार मीणा जी, भाई डॉक्टर जी वी रत्नाकर जी, डॉक्टर जी नीरजा और इस कक्ष में उपस्थित आप सभी विद्वज्जन, छात्र छात्राओं, दोस्तों, शमशेर की कविता में रंग विषयक मैं अपना ये पत्र आरंभ कर रहा हूँ। 1000 रंगों के मोतियों का खिलखिलाता समंदर। शमशेर बहादुर सिंह 13 जनवरी 1911, 12 मई 1993 अनेक स्तरों से युक्त बिंबों के कवि हैं। अब्दुल अलीम साहब ने इस बात को उद्धृत किया था विजयदेव नारायण शाही के हवाले से। अनेक स्तरों के से युक्त बिंबों के कवि हैं जिनका आधार निजी संदर्भों से लेकर वैश्विक संदर्भों तक फैला है। अपने काव्य जीवन को निजता से आरंभ करने वाले शमशेर, मैं मंच का आशीर्वाद चाहूंगा। मैंने कहा है जो लोग सामने हैं वो सो सकते हैं, लेकिन कृपया मुझे मंच से आशीर्वाद प्राप्त करने से वंचित न करें व्यवस्था से जुड़े हुए लोग। अपने काव्य जीवन को निजता से आरंभ करने वाले शमशेर राजनैतिक उथल पुथल के दिनों में मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित हुए और बाद में पुनः नितांत निजी संदर्भों और आंतरिक प्रवृत्ति में समा गए। निस्संदेह 1933 से 1948 तक की राजनैतिक किस्म की कविताओं में भी प्रेम और सौंदर्य के प्रति उनका रुझान एक अंतरधारा के रूप में विद्यमान रहता है। आज उद्घाटन भाषण में भी ये बात कही गई कि वो वैसे पॉलिटिकल कवि नहीं हैं बल्कि सौंदर्य के कवि हैं। प्रकारांतर से मैं यही बात यहाँ कहने की कोशिश कर रहा हूँ, राजनैतिक किस्म की कविताओं में भी प्रेम और सौंदर्य के प्रति उनका रुझान एक अंतरधारा के रूप में विद्यमान रहता है, परंतु उनकी तमाम कविता में प्रगतिशीलता के प्रति एक खास तरह की निष्कंप प्रतिबद्धता, नामवर सिंह का वक्तव्य है, निष्कंप प्रतिबद्धता उसे सर्वथा भिन्न या कहें कि विशिष्ट तेवर प्रदान करती है। शमशेर बहादुर सिंह जीवन और समाज के विविध अनुभवों को अपनी आंतरिकता में घोलकर जब अपने काव्य बिंबों का सृजन करते हैं तो रूप, रस, गंध, स्पर्श और नाद का एक ऐन्द्रजालिक जगत कविता की पंक्तियों में से निकलकर पाठक के समक्ष खड़ा हो जाता है।
उनके काव्य चित्रों में सर्वत्र एक टटकापन है जो अद्भुत लगते हुए भी प्रायः बड़ा परिचित और अपना अपना सा लगता है। इसका कारण है उनकी कविता में विद्यमान लोक संस्कार। प्रोफेसर दिलीप सिंह जी ने इसकी तरफ इशारा किया, जो सहज ही एक ऐसी काव्य भाषा के रूप में प्रकट होता है जिसमें एक रस्ता का कोई खतरा नहीं है, बल्कि उसमें सांस्कृतिक शब्दावली के साथ साथ लौकिक अभिव्यक्तियों तथा उर्दू और अंग्रेजी की कथन भंगिमाओं का भी अन्यत्र दुर्लभ चामत्कारिक प्रयोग द्रष्टव्य है। कवि शमशेर प्रकृति और सौंदर्य के चित्रों को निजी संदर्भों के साथ जोड़कर इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि भीतर और बाहर की दुनिया बार बार एक दूसरे में संक्रमित होती दिखाई देती है। आंतरिक और बाह्य परिवेश का यह सौंदर्य जिन शब्दों के माध्यम से भाषा पर झेला जाता है, प्रोफेसर रविन्द्रनाथ श्रीवास्तव की शब्दावली है, जिन शब्दों के माध्यम से भाषा पर झेला जाता है उनमें रंग शब्दावली का प्रमुख स्थान है। रंग किसी भाषा समाज की सामाजिक सांस्कृतिक संपत्ति होते हैं तो साथ ही किसी व्यक्ति की निजी अंतरंग अनुभूतियों के प्रतीक भी। इसलिए किसी कवि की रंग शब्दावली का अनुशीलन करने से एक ओर जहां उसकी सामाजिक सांस्कृतिक प्रतिबद्धताओं का पता चलता है, वहीं दूसरी ओर ये रंग रचनाकार के अपने मन के गहन गुह्य लोगों का भी प्रामाणिक पता देते हैं। इन दृष्टियों से शमशेर बहादुर सिंह की कविताओं के रंगों को देखना अपने आप में एक रोचक अनुभव है। प्रकृति का रंग वैभव कवि की संवेदना को सर्वाधिक उद्रेक प्रदान करता है। संध्या, उषा, धूप और रात के अपने अपने रंग हैं और कवि की दृष्टि के अपने निजी रंग हैं। इनकी क्रिया प्रतिक्रिया की काव्यात्मक परिणतियां कवि की सृजन धर्मिता का पता देती हैं। शाम को कवि शमशेर ने विविध रंगों में देखा है। जब सामंती रियासती सरकार ग्वालियर में मजदूरों पर गोलियां चलाती है तो कवि को प्रतीत होता है कि आसमान पके हुए अनाज का ऐसा खेत है जिसमें सांध्यकालीन लालिमा के रूप में लहू से भरी दरांतियां लपक उठी हैं। आसमान पके हुए अनाज का ऐसा खेत है जिसमें सांध्यकालीन लालिमा के रूप में लहू से भरी दरांतियां लपक उठी हैं। अगले ही पल शाम आग में बदल जाती है जो मजदूरों के हृदय के सुलगने से उठे धुएं से भरी पड़ी है। ये शाम है। शाम के रंगों में कवि ने बार बार अपनी प्रियतमा को देखा है। प्रियतमा का रंग सांवला है, किसी कत्थई गुलाब सरीखा, केसर की झलक लिए हुए सांवला रंग, वह शाम की अंगूरी रेशम की झलक। आप देखें एक रंग के कितने शेड्स हैं। वह शाम की अंगूरी रेशम की झलक के सदृश है। इस रोमानी चित्र को कवि एक रहस्यपूर्ण उदात्तता प्रदान करता है। आकाशीय गंगा की झिलमिली ओढ़े तुम्हारे तन का छंद गत स्पर्श कहकर कत्थई गुलाब। इस प्रियतमा शाम का सांवलापन जब बादलों की तरह कवि को घेरता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि पूरा अस्तित्व दृष्टि में बदल गया है। जिसमें तुम आंज गई अपना सुरमई सांवलापन। फिर भी क्यों सांवले रंग का यह कभी कत्थई कभी केसरिया और कभी सुरमई हो जाना शमशेर की भाषा के उस लौकिक स्रोत का पता देता है जहां एक एक रंग की दैनिक अनुभव पर आधारित अनेक छवियां हैं, छायाएं हैं और हैं उनके अनुरूप अनेक रंग बोधक विशेषण। आत्मीयता और उदासी से एक साथ भरी हुई शाम कवि को पीली दिखाई पड़ती है और पत्रोत्कंठित जीवन मर्म, मैंने इस कविता को असल में जिसका मैं संदर्भ देने जा रहा हूं निराला की कविता और अज्ञेय की कविता के साथ जोड़ने की कोशिश की है। आत्मीयता और उदासी से एक साथ भरी हुई शाम कवि को पीली दिखाई देती है और पत्रोत्कंठित जीवन मर्म मोक्ष के तुरीय अनुभव की भांति एक रंग शब्द के सहारे सहज संप्रेषित होता है। एक पीली शाम पतझड़ का जरा अटका हुआ पत्ता शांत, झरना झरता पत्ता हरी डाल से अटक गया। इस शाम का पीलापन कवि की उदासी से जुड़ा है। उदासी जुड़ी है प्रेयसी की याद से, याद जुड़ी है बिछुड़ने के क्षण से, उस क्षण से जब प्रेयसी का मुख कमल पराजय के बोध से कृश और म्लान था। स्मृति में उभरे इस मलिन मुख कमल पर पीली शाम का अटका हुआ पत्ता सांझ के तारे जैसे आंसू की तरह झिलमिलाता है जो बस गिरने गिरने को है, डूबने डूबने को है।
अब गिरा वह अटका हुआ आंसू सांध्यता रक्षा अतल में। अब पुनः प्रेयसी का सांवला सौंदर्य दिखता है, सांवला सौंदर्य जिसमें डूबकर अनुरागी चित्त और उजला हो जाता है। वासना डूबी शिथिल पल में, स्नेह काजल में लिए अद्भुत रूप कोमलता। एक पीली शाम। एक भिन्न संदर्भ में शाम कवि को सागर के सदृश लगती है। यहां कवि आकाश को इंद्रधनुषी ताल के रूप में देखते हुए अपने प्रिय नीले और सांवले रंगों का प्रयोग करता है, परंतु पीले रंग के प्रयोग के बिना उसे यह चित्र अधूरा प्रतीत होता है, इसलिए उसे धोकर सुनहरी छटा प्रदान करता है और रंगों के इस वैभव को पूर्णता प्रदान करने के लिए उसमें हल्का गुलाबी रंग भी मिला देता है। नीला, सांवला, पीला, सुनहरा और हल्का गुलाबी, सारे रंग एक साथ आ रहे हैं। कवि स्वयं को इस ताल में एक ऐसे सांवले मत्स्य के रूप में देखता है जो ऊपर से बहुत सादा और भीतर से बहुत रंगीन है। पूरा आसमान का आसमान है एक इंद्रधनुषी ताल, नीला, सांवला, हल्का गुलाबी, बादलों का धुला पीला धुआं, और फिर मानो कि मैं एक मत्स्य हृदय में बहुत ही रंगीन लेकिन बहुत सादा सांवलापन लिए ऊपर, पूरा आसमान का आसमान। अन्यत्र कवि की शाम सफेदी लिए हल्की पीली है, हरी भरी सी, जिसे वह गुलदाउदी शाम कहता है। वक्त की छोटी सी टहनी पर सरकती है खामोश शाम, क्रमशः स्याह बनकर रात में तब्दील हो जाती है और गुलदाउदी का फूल स्याह फूल बन जाता है, यह गुलदाउदी शाम। सूर्य के डूबने पर अवशिष्ट आलोक को कवि जीवन संघर्ष के अंतिम छोर पर बचे दाह के रूप में देखता है। अमित आकांक्षा उभार, दाह का आलोक है केवल सूर्यास्त। शमशेर की शाम के रंग जहां उदासी से भरे हुए हैं, वहीं सुबह के रंग जागरण, चेतना और उल्लास से भरपूर हैं। कवि द्वारा उषा के रंगों का चयन लोक अनुभव और सांस्कृतिक चेतना की परिपुष्टता का प्रमाण देता है। प्रातःकालीन आकाश कवि को बहुत नीले रंग के शंख जैसा दिखता है, बड़ी प्रसिद्ध कविता है। प्रातःकालीन आकाश कवि को बहुत नीले रंग के शंख जैसा दिखता है, या फिर जरा से लाल केसर से धुली हुई बहुत काली सिल जैसा। शंख और केसर की नीलिमा और लालिमा कवि के सांस्कृतिक दृष्टिकोण का परिचय देती है, तो सिल की कालिमा लोक के अनुभव की जानकारी तथा तीनों रंग मिलकर प्रातःकालीन आकाश के वास्तविक दर्शन की गवाही देते हैं। नीली अथवा काली पृष्ठभूमि में लाल अथवा केसरिया प्रकाश का उदय प्रथम सौंदर्य दर्शन अथवा प्रणय के उदय के क्षण की भी याद दिलाता है, और आकाश नीले जल से भरे सरोवर में बदल जाता है जिसमें गौर वर्ण देह झिलमिलाती है। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो उषा। उषा का यह सांस्कृतिक शंखनाद नवीन चेतना के जागने का प्रतीक है, भारतीयता का प्रतीक है, भक्ति प्रवण लोक मानस का प्रतीक है। उषा वेला में कवि जागरण की चेतना में नहाता है और उसे सूर्य अपनी पुतलियों में स्नान करता हुआ प्रतीत होता है, प्रभात। प्रातःकालीन वेला का खिलना हंसी और खिलखिलाहट से भरा है। हंसी दाड़िम सरीखे दांतों की, खिल रहा है कठिन दाड़िम प्रात, एक स्टिल लाइफ। यह उषा संध्या के ही क्रम में प्रकट हुई है। सांझ और रात के मिलन को कवि काली रात के माथे पर संध्या के टीके के रूप में वर्णित करता है, जो पुनः रंगों और लोक संस्कृति का संगम है। यही रात जब ढलती है तो राग रंजित उषा के स्वागत में संपूर्ण छायापथ लालिमा से मढ़ उठता है, स्वच्छंदता की अभिव्यक्ति जैसा। फिर गया है समय का रथ कहीं, लालिमा से मढ़ गया है राग, भावना की तुंग लहरें, पंथ अपना अंत अपना जान, रोलती हैं मुक्ति के उद्गार। फिर गया है समय का रथ। उषा का यह उल्लास जब वसंत का उल्लास बनता है तो कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि इस उन्मत्त वसंत को सौ सौ नूर जहाएं और पद्मिनियां लाई हैं। कवि का रंगबोध यहाँ पीली उदासी को अतिक्रमित करते हुए लाल उल्लास के रूप में प्रकट होता है। फिर बाल वसंत आया, फिर लाल वसंत आया, फिर पीले गुलाबों का रस भीने गुलाबों का आया वसंत, सौ चांद से मसले हुए यौवन पर वसंत आया। उषा के सदृश रोमन मिथक के अनुसार प्रातःकाल की देवी है औरोरा। कवि ने उसकी ज्योति के सुनहरे रंग से
शंख के पंखों को रंग दिया है और शिव से युक्त मौन विस्मय से परिपूर्ण औदात्त की सृष्टि की है। मानो बिजली के रंगों की आभा उदात्त को मूर्तिमान कर रही है। बिजली के औरोरा शंख पंख झलमल कर श्रृंग भाल एक मौन विस्मय से उड़े उठे भूतल पर नव निधान से शंख पंख। पीली शाम और काली रात के ठीक विपरीत उषा का रंग लाल है तो दिन का रंग गोरा। इसीलिए धूप कवि को माँ के उदास मुख की याद दिलाती है। धूप कवि को माँ के उदास मुख की याद दिलाती है। धूप कोठरी के आईने में खड़ी तो दिन प्रियतमा की गोद की। यह गोरापन रेशमी तो है ही किशमिशी भी है जो एक नई रंग छटा को दृश्यमान बनाता है। धूप भी ढलती है और गोरापन भी ढल जाता है। लगता है कि उल्लास और विलास के रंगों में भी कवि अवसाद और विषाद की छायाएं तलाशने को अभिशप्त है। रंगों के प्रयोग से मन की गुत्थियां किस तरह अनजाने में खुलती हैं यह देखने के लिए भी शमशेर की कविताओं का रंगपाठ तैयार किया जा सकता है। दिन किशमिशी रेशमी गोरा मुस्कुराता गोद यह रेशमी गोरी अस्थिर अस्थिर हो उठती आज दिन किशमिशी। धूप भरा दिन अगर किशमिशी रंग का है तो चांदनी भरी रात पीले रंग की, पीले गुलाबों के दरिया सरीखी, पूर्णिमा का चांद। धूप कभी गोरी गुलाबी होती है तो शोखी से भर उठती है और कवि को आँख भी मारने लगती है। भुवनेश्वर। रूप वर्णन के लिए कवि ने जो रंगाधारित सादृश्य विधान चुने हैं वे बड़े मनोरम और बिंबात्मक हैं। काव्य नायक के तलवे मकई की तरह लाल गेहूए हैं। काव्य नायक के तलवे मकई की तरह लाल गेहूए रंग के हैं जो मालिश से चिकने भी हैं। पिंडलियां सूखी भूरी झाड़ियों में व्यस्त, झाड़ियां यानी सघन रोमावलियां जंघाएं मोटी डालों को चुनौती देती हुई, रानों में एक मर्दाना चमक, इस दैहिक पृष्ठभूमि में शिव का मिथकीय स्वरूप उभरता है। यह वन शिव का स्थान शांत ज्योति में लय है ध्यान। यह ध्यान मूलाधार की शांत ज्योति से उठकर क्रमशः सहस्रार के शून्य नील गगन की ओर बढ़ता है जो सीधा चढ़ता ऊर्ध्व दिशा की ओर शेष नीला सूनापन यहाँ आकर नीला रंग आध्यात्मिक परम शांति का प्रतीक बन जाता है। शरीर स्वप्न। इस तरह यहाँ कुछ उदाहरण मैंने नीले रंग के दिए हैं। फिर इसके बाद श्वेत वर्ण से संबंधित हैं। सत्य को कवि ने श्वेत वर्णी माना है। गंगा गोमुख मोती बर्फ चांदी पंख समुद्र प्रभात सब मिलकर जिस उज्ज्वलता की ओर संकेत करते हैं वह शांति और सत्य का प्रतीक है। इसका विवेचन है, मैं आगे बढ़ता हूँ। शमशेर की रंगधर्मी काव्य भाषा का चमत्कार उनकी सावन तथा होली रंग और दिशाएं शीर्षक कविताओं में विशेष रूप से द्रष्टव्य है। इन कविताओं की चर्चा थोड़ा जरूरी है। सावन विप्रलंब श्रृंगार की कविता है। यहाँ आकाश रहस्यपूर्ण नीलिमा के स्थान पर मेघमय है। शमशेर का मेघमय आसमान भी उनका एकदम निजी है जिसके रंग में एक मलिनता है, बोध में एक खुरदरापन है। नीलापन भी है तो सही लेकिन धब्बों सरीखा, जैसे किन्हीं अनगढ़ हाथों ने खादी को धोकर उसमें हल्का नील दे दिया हो। इस काले मटियाले मेघयुक्त नीले आसमान के माध्यम से कवि विरह को चित्रबद्ध करता है। मैली हाथ की धूली खादी सा है आसमान जो बादल का पर्दा है, मटियाला धुंधला धुंधला एक सार फैला है लगभग। ये धुंधला पर्दा क्रमशः आकाशीय आंगन में तब्दील होता है और उसके पीछे नायिका की स्मृतियां गुलाबी छाया बनकर एकाएक उभर कर ठहर जाती हैं। काले बादलों से आच्छादित गुलाबी झलक एक नए रंग चित्र का निर्माण करती है जो लोक जीवन के अनुभव को साकार करता है। जैसे घोल गया हो कोई गंदले जल में, जैसे घोल गया हो कोई गंदले जल में अपने हल्की मेहंदी वाले हाथ। इन मटियाले रंगों के पीछे से नीली छाया जैसा 15 जुलाई का सायंकालीन आकाश झांकता है। संभवतः विरह के बादलों से घिरी हुई 15 जुलाई की तारीख कवि के जीवन की कोई गहरी पीड़ा समेटे हुए है, इसलिए सावनी सांझ के रंग कवि को सुदूर अतीत की शाम में ले जाते हैं जब हमने यानी नायक और नायिका ने अथवा कवि और उसकी प्रेमिका ने किसी कारणवश प्रेम के पंछी की हत्या की थी। उसकी निश्चलता कोमलता निर्दोषता और पावनता को स्वीकार करते हुए भी प्रेम के पंछी के ये सारे गुण कोमल उजले स्वच्छ नीले रंग के माध्यम से व्यक्त हुए हैं, या जैसे उस फाख्ता के बाजू के अंदर का रोवां, या जैसे उस फाख्ता के बाजू के अंदर का रोवां कोमल उजला नीला। कितना स्वच्छ, जिसको उस शाम हमने मारा था। कवि स्मृति में प्रेमिका को पुकारता है और एक नया रंग चित्र उभरता है। सांझ का आकाश नीले होठों में तब्दील होता है। गहरी कालिमा पलकों और भौहों में
बिजली मोतियों की लूट में। यह अनहोनी होती है तो शाम पूरब में होती दिखती है, ये नीले होठ जो शाम का पूरब है आज क्या कहते हैं, वह मोतियों की लूट कहाँ गई वह हंसी। रात आती है सावन की रात, कवि प्रियतमा को जो अब कविता बन गई है पारिभाषित करता है। प्रियतमा, कविता, कवि और सावन सब एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। यहाँ पृष्ठभूमि में यद्यपि जड़ सामाजिकता की काली कीचड़ से भरी रपटीली गलियां हैं, लेकिन कवि का काव्य साक्षात्कार गहन अंतरंगता में चलता रहता है। तुम तो हो महज अता पता मेरा, अरे वह नाम कहाँ हो जो बूझ लिए जाओ शर्माओ मत। असाध्य वीणा और अंधेरे में की तथता और परम अभिव्यक्ति शमशेर के सावन में सहज साक्षात्कृत होती दिखती है। तुम एक सवाल हो मामूली सा आज, यह सावन क्यों आया है, तुम मेरी हद हो। तभी तो प्रातःकालीन बेला में सावन में काले बादल आकाश में के कंदील की कांच पर जमी कालिख जैसे लग रहे हैं और सूर्य का बिंब उसमें झांकती हुई मध्यम लौ जैसा है, एक रहस्यमय आलोक। सावन, इसके बाद होली है, रंग और दिशाएं, मैं उसे छोड़ रहा हूँ। शमशेर बहादुर, हमारे संचालक जी बड़े प्रसन्न हुए इस बात से, शमशेर बहादुर सिंह ने अपनी कविता में रंगों का विशेषणों, बिंबों और चित्रों की तरह बहुत, लेकिन मुझे दुख हुआ कि मुझे कई चीज़ें छोड़नी पड़ रही हैं, बहुत सफल प्रयोग हुआ है। वे प्रत्यक्ष रंग कथन के साथ साथ परोक्ष रूप से भी रंगों की छटा खड़ी करते हैं। समर्थ सादृश्य विधानों, उत्प्रेक्षाओं और वैपरीत्य के प्रयोग द्वारा भी उन्होंने प्रभावशाली वर्ण छटाओं का जादू बिखेरा है। विशेषण के रूप में रंग शब्दावली का प्रयोग अनेक स्थलों पर हुआ है, जैसे ज्योति के हरे तीखे बाण, हेम केसर, सुर्ख फूल, स्वर्णिम जाल, अरुण चक्रधर, काला काला आँख का तिल, काला पत्थर, तम पाषाण, सियाह मटेली झाड़ियों का मैदान, वगैरह वगैरह वगैरह। रंगों के प्रतीकवत प्रयोग के कतिपय उदाहरण इस प्रकार हैं, या अचानक कौंध कर खुल गई एक खिड़की बिजलियों की जहां, यह चेहरा तुम्हारा सामने आ गया, कैलाश पर लाल भभूत कैसे रम सकती है, चीनी आक्रमण के समय की करता है, कैलाश पर लाल भभूत कैसे रम सकती है, शिवलोक में चीनी दीवार उठाओ, सब कुछ गल जाता है सिवाय सच्चाई की उज्ज्वलता के, आग बुझ गई वह काला पत्थर रह गया सोने का जागरण, वगैरह वगैरह। इसी क्रम में रंग बिंबों की चित्रात्मकता का चाक्षुष वैभव भी दर्शनीय है, इसकी चर्चा काफी हो चुकी। रंग का नाम निर्देश किए बिना गुण कथन के माध्यम से परोक्षतः रंग छटाओं के निर्माण में भी कवि शमशेर बहादुर सिंह सिद्धहस्त हैं, जिसका प्रमाण कुछ उदाहरण है। केवल प्रलाप, केवल तम रंग का नाम नहीं है। ओ ताजा मोती की आब, ओ नए मान, आज ही खरीदे गए नग, तेरी गहराइयों की झलक, इत्यादि इत्यादि। रंगों से निर्मित सादृश्य विधान की योजना द्वारा भी शमशेर ने अभिव्यक्ति में चमत्कार उत्पन्न किया है, जैसे नमक जैसे मैले संगमरमर का बादल, नमक जैसे मैले संगमरमर का बादल, रक्त के समान उज्ज्वल हमारी भाषाओं का तिलक, रक्त के समान उज्ज्वल हमारी भाषाओं का तिलक, आंखों में क्रोध दंभ और एकांगी विद्वत्ता की कठोर लालिमा, जंघाएं की गोरे पारद के दो दरिया, धूप के उज्ज्वल नीले आकाश में, धूले आकाश में उज्ज्वल वर्षा के बादल, मानो रुई की बिखरी बिखरी छोटी बड़ी पूनिया, चंद्रमा फणिमणि सदृश, आकाश मलिनतम। वैपरीत्य को व्यक्त करने वाले रंगचित्र भी हैं। कोई हिमालय पर कालिख पोत सकता है, सफेद और काला, कोई हिमालय पर कालिख पोत सकता है, काला काला आंख का तिल है ज्योत का द्वार, चांद के स्थिर जल में असित हिलती मूर्तियां। अंतिम अंश है, शमशेर की कविताओं में विविध रंगों का विविध रूपों में यह प्रयोग सर्वथा समाज सिद्ध है और यह सिद्ध करने में समर्थ है कि अपनी समग्र निजता में कवि शमशेर बहादुर सिंह लोक, समाज और संस्कृति के विविध वर्णीय सौंदर्य से अनुप्राणित रचनाकार हैं। रंगों के प्रति उनका आकर्षण उनके विविध अभिप्रायों की गहरी समझ से जुड़ा हुआ है। तभी तो मृत्यु का रहस्यमय लोक भी उन्हें अनिर्वचनीय रूप से रंगीन प्रतीत होता है। ओ मौत, तू किस कदर रंगीन है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि शमशेर बहादुर सिंह की संवेदनशीलता उनके काव्य की तरह ही विविध आयामी और दिगंत व्यापी है। उसमें मनुष्य और कविता दोनों की ऐसी मुक्ति निहित है जहां सृजनशीलता की सर्वथा बंधनहीन उड़ान घटित होती है। उसका पसारा पौराणिक और छायावादी संस्कारों से लेकर अंग्रेजी और खास तौर पर उर्दू परंपरा तक परिव्याप्त है। उन्होंने केवल संवेदना वैविध्य और प्रयोगशीलता का ही नहीं, हिंदी की शैलीय विशेषताओं और तत्संबंधी वैविध्यों का भी पूरा पूरा निर्वाह किया है। समाज सिद्ध भाषा के अनेक धरातलों और संस्तरों को
एक साथ साध पाने के सामर्थ्य के कारण ही समाज सिद्ध भाषा के अनेक धरातलों और संस्तरों को एक साथ साध पाने के सामर्थ्य के कारण ही वे बड़े कवि हैं, महान, कालजयी और अद्वितीय, जिनका अनुकरण नहीं हो सकता। शमशेर की कविता की दुनिया में प्रवेश करने पर उन्हीं के शब्दों में ऐसा अनुभव होता है कि सौंदर्य कांश है, तूने मुझे दूरियों से बढ़कर एक अहर्निश गोद बनकर लपेट लिया है, इतनी विशाल व्यापक तू होगी, सच कहता हूँ मुझे स्वप्न में भी गुमान न था। मैं आभारी हूँ आप सबके प्रति और यह कहना चाहता हूँ कि यदि इस पत्र में कुछ अच्छा है तो उसका श्रेय इस पत्र के निर्देशक यानी प्रोफेसर दिलीप सिंह जी को है और इसकी जो भी सीमा है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ।